हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं बच्चों? होप सो यू ऑल आर वेल। एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो के अंदर मैंने मॉर्फोलॉजी का एक वीडियो प्लेस किया था और वो था बेटा इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर। और इन्फ्लोरेसेंस के अंदर टू टाइप्स थे, वन वाज नोन एज द रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस और दूसरा था साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस पूरा डिस्कस कर लिया था, आप लोगों ने उसको देखा होगा। आज की क्लास के अंदर हम सेकंड टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पढ़ रहे हैं एंड दैट इज द साइमोस। एक बार आगे बढ़ने के पहले बता दूं, रेसिमोस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस एनसीईआरटी के अंदर ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं करके। इफ यू गो टू द एनसीईआरटी तो उसके अंदर आपको रेसिमोस और साइमोस की केवल एक लाइन लिखी हुई मिलेगी, जिससे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते कि वॉट इज रेसिमोस एंड वॉट इज साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो आज की क्लास का थीम है बेटा साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। और ये साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर तुम देखोगे रेसिमोस से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा ये। आप कंपेयर करना, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू कंपेयर इट विद द रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, कि हम साइमोस में क्या पढ़ रहे हैं और रेसिमोस के अंदर हमने क्या पढ़ा था। ऑलराइट, सो यहां पर देखो बेटा साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। नाउ ये जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है, वो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में साइमोस क्या है? तो इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द पेडिंकल दैट इज द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन टू अ फ्लावर। रेसिमोस में मेन एक्सिस वॉज नॉट एट ऑल एंडिंग इन अ फ्लावर। आपने देखा था कि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर पेडिंकल वॉज नॉट टर्मिनेटिंग इन अ फ्लावर, वो फ्लावर में टर्मिनेट नहीं कर रहा था। राइट, यहां पर पेडिंकल विल टर्मिनेट इन टू अ फ्लावर। जो मेन एक्सिस है बेटा, यहां पर जो मेन एक्सिस होगी डेट विल एंड इन अ फ्लावर। वेरी सिंपल, राइट? से फॉर इफ दिस इज द मेन एक्सिस, इफ दिस इज द मेन एक्सिस देन इट विल एंड इन टू अ फ्लावर। जबकि वहां पर रेसिमोस के अंदर फ्लावर यानी कि जो पेडिंकल था डेट हैज नॉट बीन एंडेड इन टू द फ्लावर, बट इट हैज बीन टर्मिनेटेड इन टू अ फ्लावर। इन इट द ओल्डर फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द अपर पोर्शन। ओल्डर फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द अपर पोर्शन। ध्यान से सुनना, वहां पर तुमने देखा था कि न्यू फ्लावर्स वर प्रेजेंट एट द अपर पोर्शन एंड वहां पर क्या देखा था, ओल्डर फ्लावर्स वर प्रेजेंट एट द बेस। यहां पर उल्टा है, राइट? क्या कहा, एट द अपर पोर्शन द ओल्डर फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द अपर पोर्शन, राइट? अपर पोर्शन, वहां पर क्या था, ओल्डर फ्लावर्स वर प्रेजेंट एट द बेस एंड न्यू फ्लावर्स वर प्रेजेंट एट द अपेक्स। यहां पर यंग बर्ड्स और द फ्लावर्स आर अरेंज टूवर्ड्स द बेस। समझ में आ गया, क्लियर है? तो जब ऐसा अरेंजमेंट होता है तो इसको बोलते हैं बीसी पिटल सक्सेशन। वापस से बोल रहा हूं, व्हाट इज बीसी पिटल सक्सेशन बेटा? ओल्डर फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द अपर पोर्शन। जब अपर पोर्शन के ऊपर ओल्डर फ्लावर्स हो और यंगर फ्लावर्स बेस के ऊपर हो तो उसको बोलते हैं बीसी पिटल सक्सेशन। वापस से बोल रहा हूं, यंगर फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द बेस एंड ओल्डर फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द अपेक्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेसिपिटल सक्सेशन। और उल्टा सोचो कि when the older flowers are present at the base एंड द यंगर फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द अपेक्स, तो उसको हम क्या बोलते थे, डेट वॉज कॉल्ड एज एक्रोपिटल सक्सेशन। उसको हम क्या बोलते थे, एक्रोपिटल सक्सेशन। लेकिन यहां पर उल्टा हो गया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिपिटल सक्सेशन कहेंगे। पहले मुझे बताओ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्लियर हुआ है बेटा? इज इट क्लियर, साइमोस क्लियर? चल अब साइमोस को तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है। जैसे हमने वहां पर सेवन कैटेगरीज पढ़ी थी ना बेटा रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस की, याद है? रेसीम है ना, स्पाइक, इज इट क्लियर, कैटकिन, कोरियम, ये सब पढ़ा था ना। वैसे ही यहां पर भी थ्री टाइप्स हैं, यूनिपेरस साइम, बाईपेरस साइम एंड मल्टीपेरस साइम। वापस से बोल रहा हूं, यूनिपेरस साइम, बाईपेरस साइम एंड मल्टीपेरस साइम। सबसे पहले आप देखो यूनिपेरस साइम क्या होता है। यूनिपेरस साइम, यूनि मतलब वन, इसको हम मोनोकेशियल साइम भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोकेशियल साइम। बड़ा सिंपल सा है, मोनोकेशियल साइम का मतलब क्या होता है? मोनोकेशियल साइम का मतलब होता है ये बेटा फ्लोरल एक्सिस है, दिस इज अ फ्लोरल एक्सिस, दिस फ्लोरल एक्सिस विल एंड इन अ फ्लावर और साइड से एक ब्रांच निकलेगी, साइड से एक ब्रांच निकलेगी, दैट टू विल एंड इन अ फ्लावर, तो उसको बोलते हैं यूनिपेरस साइम।
हर बार एक ब्रांच ही निकलेगी। मेन एक्सिस है, देखो समझने की कोशिश करो, ये तो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस हैज एंडेड इन द फ्लावर, ठीक है। साइड से एक ब्रांच निकलेगी, ये लेटरल ब्रांच है, दिस लेटरल ब्रांच ऑल्सो एंड्स इन अ फ्लावर, लेटरल ब्रांच ऑल्सो एंड्स इन अ फ्लावर, इसको हम बोलते हैं यूनिपेरिसाइम। तो द पेडिंकल एंडिंग इन अ फ्लावर, ये मेन एक्सिस है, पेडिंकल एंडिंग इन अ फ्लावर, प्रोड्यूसिंग लेटरल ब्रांच एट अ टाइम एंडिंग इन अ फ्लावर, एक लेटरल ब्रांच, याद रखना ब्रांच एट अ टाइम मतलब वन ब्रांच एट अ टाइम, एक ब्रांच एट अ टाइम निकलेगी, ठीक है ना, प्रोड्यूसिंग लेटरल ब्रांच एट अ टाइम, एक ब्रांच एक बार में निकलेगी, विच ऑल्सो एंड्स इन अ फ्लावर, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिपेरिसाइम, या जिसको बोलते हैं मोनोकेशियल साइम, मोनो मीन्स वन, वन लेटरल ब्रांच विल अराइज ईच टाइम। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस इज दैट दैट दिस यूनिपेरिसाइम इज ऑफ टू टाइप्स, यूनिपेरिसाइम टू टाइप्स का होता है, एक तो होता है बेटा हेलिकोइड साइम एंड अनदर इज नॉन एज द स्कॉर्पोइड साइम। यदि आपको हेलिकोइड देखना है बेटा तो यहां पर फोकस करोगे, जस्ट फोकस हियर, ये हेलिकोइड साइम है ना, ये हेलिकोइड है, और स्कॉर्पोइड को देखना है तो यहां पर कंसेंट्रेट करेंगे, सबसे पहले हेलिकोइड, सो फोकस कहां पर करना है, इस जगह पर, ठीक है। नाउ व्हेन ऑल लेटरल ब्रांच डेवलप्ड ऑन द सेम साइड ऑन पेडिंकल, यदि पेडिंकल के ऊपर, पेडिंकल पर सारी जो ब्रांचेस है, मान लो बेटा कि ये मेन एक्सिस है, इमेजिन करो कि ये मेन एक्सिस है और ये एंड हो गई फ्लावर के अंदर, इमेजिन कीजिए ये मेन एक्सिस है और ये फ्लावर के अंदर एंड हो गई। अब हर बार जो ब्रांच निकलेगी, व्हेन ऑल लेटरल ब्रांच डेवलप्ड ऑन द सेम साइड ऑन द पेडिंकल, देन इट इज कॉल्ड एज हेलिकोइड साइम या हेलिकल साइम, हेलिकल साइम। हर बार ब्रांच जो है वो एक ही साइड में निकलेगी। देखो बेटा मैं बताता हूं आपको, जैसे ये मेन एक्सिस है, दिस इज मेन एक्सिस, अब साइड से एक ब्रांच निकली वो फ्लावर के अंदर खत्म हो गई, अब जो नेक्स्ट ब्रांच निकलेगी वो भी इधर साइड से ही निकलेगी, वो भी फ्लावर के अंदर एंड हो गई, फिर एक ब्रांच निकली वो भी फ्लावर के अंदर एंड हो गई, फिर एक ब्रांच निकली वो भी एंड हो गई फ्लावर के अंदर, फिर एक ब्रांच निकली वो भी एंड हो गई फ्लावर के अंदर। तो हर बार एक ही तरफ ब्रांचिंग हो रही है, जैसे हाथी की सूंड देखी है तुमने, हाथी की सूंड कैसी होती है, ऐसी, लाइक दिस टाइप, तो एक हाथी की सूंड की तरह पूरा के पूरा ऐसे पैटर्न बनेगा। तो देखो व्हेन ऑल द लेटरल ब्रांचेस डेवलप्ड ऑन द सेम साइड, हर बार आप देखो, ये देखो एक ब्रांच निकली फिर एक ब्रांच निकली, ये देख रहे हो, ये लेफ्ट में एक ब्रांच निकली फिर वापस से लेफ्ट में एक ब्रांच निकली, फिर एक लेफ्ट में एक ब्रांच निकली, फिर एक लेफ्ट ब्रांच में निकली, या फिर एक लेफ्ट ब्रांच में निकली, ऐसी, ठीक है। अब आगे मैं बता दूं आगे कहां से निकलेगी तुमको सिखाने के लिए, तो फिर एक ब्रांच ऐसे, ये ऐसे, फिर एक ब्रांच निकलेगी तो ये ऐसे, फिर एक ब्रांच निकलेगी तो ऐसे, फिर एक ब्रांच निकलेगी तो ऐसे। तो बताओ एक हाथी की सूंड की तरह पूरी की पूरी बन गई या नहीं बन गई, यस और नो, ठीक है। तो हेलियोट्रोपिज्म और सेरेका, हेलियोट्रोपिज्म और सेरेका के अंदर इस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, क्लियर। अब आ जाते हैं दैट इज स्कॉर्पोइड साइन, यहां पर फोकस करना स्कॉर्पोइड के ऊपर। स्कॉर्पोइड बिल्कुल अलग है, स्कॉर्पोइड में क्या होता है बेटा, इन दिस टाइप द लेटरल ब्रांच डेवलप्स ऑन वन साइड एंड द अदर ब्रांच विल डेवलप अपोजिट टू द फर्स्ट वन, मतलब zigzag फैशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्कॉर्पोइड में क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए ये मेन फ्लोरल एक्सिस है, ये मेन फ्लोरल एक्सिस है, पेडिंकल है, ये एंड हो गया फ्लावर के अंदर, बात खत्म। अब एक ब्रांच निकली डेट टू एंडेड इन अ फ्लावर। अब यहां पर हेलिकोइड में तो क्या हो रहा था कि लेफ्ट में निकलती जा रही थी, हो सकता है राइट में भी निकल सकती थी, अरे कहने का मतलब है ये तो जैसे ब्रांचिंग पैटर्न लेफ्ट में किया है, ऐसा कैसा किधर हो सकता था, राइट में, यदि राइट में होता तो सारी ब्रांचेस फिर राइट में जाती, यदि लेफ्ट में हो रहा है तो सारी ब्रांचेस लेफ्ट में आ रही, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां पर एक ब्रांच यदि लेफ्ट में निकली है तो दूसरी ब्रांच डेफिनेटली किधर निकलेगी बेटा, अपोजिट साइड में निकलेगी, राइट में। यदि अब ये राइट में निकली है तो ये लेफ्ट में निकलेगी, ये लेफ्ट में निकली है तो अब ये राइट में निकलेगी। अब जैसे मैं आपको और सिखाने के लिए मैं बताऊं तो ये राइट में निकली है तो ये लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, इस तरीके से, है ना। तो ये 5, तो ये 6, तो ये 7, तो ये 8, ऐसे लेफ्ट राइट लाइक दिस टाइप, zigzag होता है ना, जैसे राइट देन लेफ्ट देन राइट देन लेफ्ट देन राइट देन लेफ्ट, इस तरीके से, क्लियर है। तो यहां पर देखो, इन दिस टाइप द लेटरल ब्रांच निकलेगी एक बार में, एक ही ब्रांच, द लेटरल ब्रांच डेवलप्स ऑन वन साइड
जो दूसरी ब्रांच निकलेगी एंड अदर ब्रांच विल डेवलप अपोजिट टू द फर्स्ट वन, अदर ब्रांच विल डेवलप अपोजिट टू द फर्स्ट वन, देन दे लाई ऑल्टरनेट टू ईच अदर, दे लाई ऑल्टरनेट टू ईच अदर, जैसे बिगोनिया और वाइन, जैसे कि बिगोनिया और वाइन के अंदर. तो इसको हम बोलते हैं यूनिपेरासाइम या मोनोकेशियल साइम. समझ में आ गया बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं. डाइकेशियल साइम. अब डाइकेशियल साइम में पहले समझ लो डाई का मतलब क्या होता है, टू. डाइकेशियल आप चाहो तो बाइपेरासाइम भी कहते हो. इसमें बड़ा सिंपल है, ये चीज मेन एक्सेस है, मेन एक्सेस एंड सिन फ्लावर. ये मेन एक्सेस बेटा, मेन एक्सेस एंड सिन फ्लावर, बात खत्म, ये फ्लावर में खत्म हो गई. अब हमेशा जब भी निकलेगी तो साइड से दो ब्रांचेस निकलेगी, यहां से दो ब्रांचेस निकलेगी, जैसे ये एक ब्रांच और ये दूसरी ब्रांच, जब भी निकलेगी तो दो ब्रांचेस निकलेगी. तो ये भी एंड हो गई फ्लावर के अंदर. अब वापस जब निकलेगी तो दो ब्रांचेस ही निकलेगी, ये यहां से दो ब्रांचेस निकली, ये देखो ये भी फ्लावर में एंड हो गई. अब यहां से निकलेगी तो दो ब्रांचेस निकलेगी, ये भी फ्लावर के अंदर एंड हो जाएगी. तो हर बार क्या होगा, मेन एक्सिस से दो ब्रांचेस निकलेगी और वो दैट विल एंड इनटू अ फ्लावर. तो देखो इन दिस टाइप, इन दिस टाइप द पेडिंकल एंड्स, पेडिंकल मतलब ये मेन एक्सिस, पेडिंकल द पेडिंकल एंड्स इन अ फ्लावर, पेडिंकल एंड्स इन अ फ्लावर, ये सिंपल, पेडिंकल एंड्स इन अ फ्लावर, तभी तो साइमोस है. एंड फ्रॉम द बेसल पार्ट ऑफ द पेडिंकल, ये बेसल पार्ट ऑफ द पेडिंकल, फ्रॉम द बेसल पार्ट ऑफ द पेडिंकल टू लेटरल ब्रांचेज अराइज, टू क्यों, तभी तो डाइकेशियल है, टू लेटरल ब्रांचेज अराइज विच ऑल्सो एंड्स इन अ फ्लावर. ये देखो दो ब्रांचेज निकली और ये दोनों ब्रांचेज भी फ्लावर में एंड हो गई, क्लियर कट दिख रहा है, दैट टू एंड्स इन अ फ्लावर. तो टू लेटरल ब्रांच अराइज विच ऑल्सो एंड्स इन अ फ्लावर, विच ऑल्सो एंड्स इन अ फ्लावर. नाउ दिस सेम अरेंजमेंट, दिस सेम अरेंजमेंट अकर ऑन दीज लेटरल ब्रांचेज ऑल्सो. अब ये जो लेटरल ब्रांचेस निकली है, अब इनके ऊपर भी सेम अरेंजमेंट, मतलब इन लेटरल ब्रांचेस से भी और दो ब्रांचेस निकलेगी. तो यहां से भी दो ब्रांचेस निकली, यहां से दो ब्रांचेस, यहां से, जैसे यहां से निकली थी ना दो ब्रांचेस, तो अब यहां से भी क्या निकलेगी, दो ब्रांचेस, एंड दैट टू विल टर्मिनेट इन टू अ फ्लावर. सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है डाइकेशियल का, सबसे कॉमन है बोगनवेलिया, जैस्मिन, नाइट जैस्मिन होता है ना, टीक और मिराबिलिस. बोगनवेलिया के अंदर, जैस्मिन के अंदर, टीक के अंदर, मिराबिलिस के अंदर, बोगनवेलिया में, जैस्मिन में, टीक में, मिराबिलिस में आपको डाइकेशियल साइम देखने को मिलता है. क्लियर है, यहां तक क्लियर है या नहीं है बेटा? ठीक है, इससे पहले वाला समझ में आ गया था, ये वाला जो था ये कौन सा था बेटा, दिस वाज अबाउट द, ये जो था ना अपना, दैट वाज ऑल अबाउट द डाइकेशियल साइम, है ना, ये जो हम लोग बात कर रहे थे दिस वाज, तो दिस वाज ऑल अबाउट द यूनिपेरस और फिर हमने डाइकेशियल की बात की. अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर, मल्टीपेरासाइम. सो मल्टीपेरासाइम या जिसको कि हम पॉलीकेशियल कहते हैं, मल्टीपेरस या पॉलीकेशियल साइम. नाउ मल्टीपेरस में क्या होगा, देखो सिंपल, मल्टीपेरस का मतलब क्या होता है, ये मेन एक्सेस है बेटा, दिस इज अगेन अ पेडिंकल, ध्यान से सुनो, ये पेडिंकल है, यू नो व्हाट इज पेडिंकल, मेन एक्सेस. अब मेन एक्सेस एंड्स इन अ फ्लावर, ये फ्लावर में एंड हो गई. अब क्या होता है, ये मेन एक्सेस के बेस से ज्यादा ब्रांचेस निकलेगी, दो से ज्यादा, शर्त ये, दो से ज्यादा ब्रांचेस निकलेगी. ये जैसे ये एक ब्रांच निकल गई, दो तीन और ये चार, दो से ज्यादा ब्रांचेस निकल गई, और ये दो से जो ज्यादा ब्रांचेस निकली है ये सब एंड हो गई बेटा किसके अंदर, फ्लावर के अंदर, ये सब एंड हो गई फ्लावर के अंदर, दो से ज्यादा ब्रांचेस निकली ये और ये सब फ्लावर में एंड हो गई. ठीक है, अब इनसे भी आगे चलकर क्या निकलेगी, और भी, अब ये जो ब्रांचेस है, समझ में आ रहा है, यहां से दो से ज्यादा ब्रांचेस निकली है एंड दैट टू एंडेड इन द फ्लावर. अब इन हर ब्रांच से भी, हर एक ब्रांच से भी, अब देखो मैं आपको बना के बता देता हूं, हर एक ब्रांच से भी क्या होगा बेटा, यहां से, जैसे यहां से दो से ज्यादा ब्रांचेस निकलेगी और वो सब भी किसमें एंड हो जाएगी, वो सब भी किसमें एंड हो जाएगी, फ्लावर के अंदर. ये देखो ये सब फ्लावर के अंदर एंड हो जाएगी.
ये सब फ्लावर के अंदर एंड हो जाएगी। तो यहां से ही निकली, ये देखो ये सारी एंड हो गई फ्लावर के अंदर, ठीक है ना, ऑल हैव बीन एंडेड इनटू द फ्लावर। दो से ज्यादा ब्रांचेस निकलेगी, तो ये देखो यहां पर भी आप देख सकते हो, ये तो मेन एक्सिस थी राइट, ये मेन एक्सिस थी, ये एंड इन द फ्लावर, फिर उससे ज्यादा क्या निकली, ब्रांचेस निकली, कौन कौन सी, ये वाली 1, 2, 3 एंड 4, दो से ज्यादा ब्रांचेस निकल गई, वो भी सब एंड हो जाएगी किसके अंदर, फ्लावर के अंदर। ये देखो ये सब फ्लावर में एंड हो गई, दैट टू एंडेड इन अ फ्लावर। अब उनसे भी ब्रांचेस निकलेगी, वो भी एंड हो जाएगी फ्लावर के अंदर, ठीक है। तो इन दिस टाइप पेडिंकल एंड्स इन अ फ्लावर, पेडिंकल एंड्स इन अ फ्लावर, एंड फ्रॉम द बेस ऑफ इट मैनी लेटरल ब्रांचेस अराइज, राइट, मैनी लेटरल ब्रांचेस अराइज विच ऑल्सो टर्मिनेटेड इन फ्लावर, विच ऑल्सो टर्मिनेटेड इन फ्लावर। दिस अरेंजमेंट इज नाउ ऑल्सो अकर ऑन दीज ब्रांच लेटरल ब्रांचेज ऑल्सो, और फिर आगे चलकर लेटरल ब्रांचेज के ऊपर भी वही सेम अरेंजमेंट देखने को मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी पेरासाइम, और जिसको कि हम बोलते हैं पॉलीकेशियल साइम। द बेस्ट एग्जाम्पल इज कैलोट्रोपिस, इसको इंडिया के अंदर अपने मदार कहते हैं कैलोट्रोपिस, और नीरियम कैलोट्रोपिस में तो बहुत बहुत अच्छा आपको मल्टीपेरासाइम देखने को मिलेगा, और एक्सक्लिपियाज के अंदर भी आपने देखने को मिलता है। आर यू गेटिंग ऑन नॉट? तो ये था बेटा मल्टीपेरासाइम। तो आज की क्लास के अंदर हमने ये पढ़ा कि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, और उसके जो थ्री टाइप्स थे यूनिपेरस या मोनोकेशियल साइम, बाईपेरस या डाइकेशियल साइम, और मल्टीपेरस या पॉलीकेशियल साइम। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने रेसिमोस के बारे में पढ़ा था। हम आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारे वीडियोस हम लोग इस लाइव डिजिटल पैनल के ऊपर लेकर आने वाले हैं, ताकि आपको स्टडीज़ में कोई दिक्कत नहीं आए, और आप घर बैठे बिल्कुल क्लास जैसी फीलिंग के साथ में आप स्टडीज़ करें। हम लोग बहुत बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए लाने वाले हैं, तो वेट कीजिए एक नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।